सो बेटा मेरी वो बात तो तुमने सुनी होगी, जितना गलीज उतना लजीज। Hey, what's up guys? This is your pro bros Nan Ali. नहीं, आज वीडियो यहाँ से नहीं शुरू होगी, आज वीडियो यहाँ से शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर और सिस्टर, क्या हाल है आपको, कैसे है ना, ठीक है ना, तो सब खैरियत से है ना। तो यार फुल्लू भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि 100K उनके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आप लोग उनसे इतना प्यार करते हैं यार। देखो यार फुल्लू भाई के 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो थोड़ा सा ख्याल करो यार, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों को बताया, हमारी लेवल वन की मसल बिल्डिंग सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो थी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग फॉर मसल बिल्डिंग, और आज की जो वीडियो है, आपको पता है लास्ट टाइम हम चिकन जो है परचेज नहीं कर सके थे, सो चिकन में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी थी, मुझे पता है। मैं अपने लिए भी चिकन लेके आया था, उसको मैंने मैरिनेट किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि हसनैन भाई मेरा चिकन जो सा है वो चिंगम की तरह बन जाता है, और मेरा चिकन जो सा है वो उसमें कोरोना वायरस घुस गया, उसमें कोरोना वायरस घुस गया, मेरे चिकन में जो सा है वो मसाला सही नहीं लगता, मेरे से चिकन ब्रश खाया नहीं जाता, मैं खाता हूँ तो मुंह के अंदर चिंगम बन जाती है, और मेरा चिकन जो सा है जूसी नहीं होता, मेरा चिकन जो सा है पता नहीं क्या क्या। सो आज ये सारे मसले मैंने हल कर दिए आप लोगों के लिए। खाना अपने चिकन ब्रेस्ट ही है, किस तरीके से खाना है सारा मैंने सारे मसले आपके इस वीडियो में हल कर दिए। सो गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए 2 किलो चिकन जो कि धुला हुआ हो। ये जो मैं सारी रेसिपी आपको बता रहा हूँ ये 2 किलो चिकन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप जब भी इसको यूज़ करें 2 किलो के हिसाब से इसको डबल डबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर 4 किलो कर रहे हैं तो डबल कर लेना उसको। तो सबसे पहला आपको जो मसाला चाहिए वो आपको बारबेक्यू मसाला चाहिए, जो कि 2 किलो के हिसाब से आपने 2 टेबल स्पून यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक हो गया। सो इसके बहुत फ़ायदे भी हैं मसाले के कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट जो सी है फिर आप में होगी, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा आपका आ जाएगा 2 खाने की चम्मच काली मिर्च, जो कि 2 किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। काली मिर्च अगर आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ज़्यादा मसालों का हम इस्तेमाल कर नहीं रहे यहाँ पे, सिर्फ 3 चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक, काली मिर्च और हल्का सा ये जो हमने बारबेक्यू मसाला डाला, बस। उसके बाद आ जाएगा आपका एप्पल विनेगर, जो कि आप दोबारा अगेन आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, मैं अपने जायके के मुताबिक डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका जो सा है आ जाएगा ब्लैक सॉस, मतलब कि सोया सॉस, और उसके बाद हसबे जायका आपका नमक। नमक भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जितना कम ले सकते हैं उतना कम लें, लेकिन नमक को छोड़ना नहीं है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, मेक श्योर आपके हाथ ठीक तरह से धुले हुए होने चाहिए, और पतीला आपने इसके लिए बड़ा इस्तेमाल करना है। देखिए मैं कितना बड़ा पतीला इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा पतीला होगा उतना आपको ईजी होगा मिक्स करने में। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने वेइंग स्केल का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे घरों में हर किसी के घर में वेइंग स्केल नहीं है। ये मेरा 1 कप है, तकरीबन 130 ग्राम तक का बनता है ये। ऑलमोस्ट वाटर निकाल के इसमें मुझे 25 से 27 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगी 1 सर्विंग में। अब इसको बनाना किस तरीके से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए और इजी हो जाए। इसको इस तरीके से करके आपने रख देना है। मैं अलग से पैकेट बना के इकट्ठे रखता हूँ, लेकिन वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, तो मैं आपको जमा के बना के एंड तक पूरा घर तक पहुँचा के आऊँगा, आप टेंशन ना लें। फिर जो आपने कुछ इस किस्म के पैकेट बनाए होंगे इनको आपने फ्रीज़ कर देना है, फ्रीज़र में रख देना है, और थोड़ी देर के लिए जब तक ये जमते नहीं इनको बाय बाय कर देना है। फिर जैसे ही ये जम जाएंगे तो इसको आपने फ्रीज़र में से जितना आपको चाहिए उस पैकेट को आपने बाहर निकालना है, कुछ इस तरीके से शशका मार के पूरा। उसके बाद जो सा है ये आपका ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुका है। इसको सिर्फ आपने अब एक पैन लेना है, नॉनस्टिक की पैन ले लें, कोई भी ले लें, मुझे तवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने एक तवा रखा हुआ है। आप देख लें, नॉनस्टिक की स्प्रे का यूज़ करें, नॉनस्टिक की स्प्रे नहीं है तो ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। ये कुछ इस तरीके से जम जाएगा, जो आप देख सकते हैं पूरा एक कबाब बन गया। इसमें बहुत ईजी है, आराम से निकालें, तवे पर रखें इसको पकने के लिए हल्की आग पर। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही आप चिकन को ज़्यादा पकाते हैं तो चिकन जो सा है वो सख्त हो जाता है। मटन का एक असूल है कि मटन को जितना पकाओ मटन उतना नरम होता है, और चिकन को जितना पकाओ चिकन उतना सख्त होता है, इसीलिए आपका जो चिकन है वो जूसी नहीं रहता। सो आपका तैयार हो गया। बस ये जो आप कहते हैं ना कि मेरा चिकन जूसी नहीं बनता, इस दफ़ा चेक करना कि कैसा जूसी चिकन बनेगा।
सो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। देखो यार, आप लोगों के प्यार पे मैं चल रहा हूँ अभी तक, ठीक है, अकेला मैं कुछ नहीं हूँ, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग कर भी रहे हो, थैंक यू सो मच। कोई सवाल होता है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना, इंस्टाग्राम पे हमारी हर रोज़ की रोज़ अपडेट्स आती रहती हैं, इंस्टाग्राम पे हफ्ते में 2 दफ़ा मैं लाइव आता हूँ, किसी का भी कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। एंड तक देखते हैं कि एक और रीज़न ये भी है, इसलिए भी कह रहा हूँ कि यार आप लोग आगे कर करके वीडियो को देख लेते हो, फिर एंड पे होता है कि आप लोग कहते हो हसनैन भाई ये फलानी चीज़ और फलानी चीज़, जबकि मैंने वो एक वीडियो पहले आप लोगों को वो चीज़ बताई होती है, तो होता क्या आप लोग आगे करके वीडियो देख लेते हैं और फिर ये होता है जी के आप लोग वही बात मेरे से दोबारा पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं आप लोगों ने करना, ठीक हो गया। बिल्डिंग सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, ये मसल बिल्डिंग सीरीज की आपकी जो लाइफ है ना इसमें बहुत बड़ा टर्न ओवर आने वाला है। सो खैर अपनों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, स्टे नेचुरल बी हैप्पी। तो जी अगर तुमने तुम्हारे भाई की वीडियो एंड तक देख लिया ना तो यकीन करो तुम्हारी किस्मत ही खुल गई है, तुमने करना सिर्फ ये है कि 5 ऐसे लोगों को शेयर कर देनी है जो कि फिटनेस लवर हैं, ठीक हो गया। अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत खतरनाक किस्म का ट्विस्ट आने वाला है जो कि तुम्हारी ज़िंदगी को हिला के रख देगा, दहला के रख देगा। ऐसे ही तुम्हारी तरह एक लड़की थी जिसने इस बात को मजाक समझा था, जिसका नाम था सबा, और वो आज तक लोगों से बैलेंस मांगती फिर रही है। ओए अच्छा यार, गाला ना कटला प्या करो, गल तो सुन लो पहले मेरी, हुण बंदा मजाक भी ना करे, लाइक तुसी करदे नहीं ना तुसी शेयर कर दियो, ते पुठियां हरकतां फिर करनियां पैंदियां, बटनों की करिए हुण।